जाऊंगा। आखिर कौन है शख्स जिसे टांग कर ले जाया जा रहा है और वो बार बार लगातार एक ही बात कह रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मैं नहीं जाऊंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजिलेंस की टीम ने दलबल के साथ एक लेखपाल को घूस लेने के एवज में रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान लेखपाल बार बार कहता रहा कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं और मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तो लेखपाल साहब फंस गए थे, इसीलिए विजिलेंस की टीम उन्हें टांग कर अपने साथ उठा ले गई, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थे। दरअसल आरोप है कि हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में लेखपाल अवनीश चंद्र ओझा ने अमन त्रिपाठी से 15,000 रुपए की मांग की, लेकिन अमन त्रिपाठी ने इसकी शिकायत कर दी। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए विजिलेंस की टीम अवनीश चंद्र ओझा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तहसील सदर पहुंची, जहां पता चला कि लेखपाल साहब ने 15,000 की घूस अमन त्रिपाठी से ली है। तभी विजिलेंस की टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि लेखपाल साहब भी कम नहीं थे, टीम को देखते ही उन्होंने तुरंत पैसे अपने पास छिपा लिए, लेकिन बेचारे साहब कब तक बचते। उनकी जैसे ही तलाशी ली गई, रिश्वत के 15,000 रुपए सीधे सीधे बरामद कर लिए गए। पहले आप देखिए कि कैसे लेखपाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे नहीं लिए, इसीलिए वो कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद सीधे विजिलेंस की टीम ने लेखपाल बाबू को टांग दिया और लेकर चलती बनी। लखनऊ से सत्य मिश्रा की रिपोर्ट।